दोस्तों जिस प्रोग्राम का हम वेट कर रहे थे वो आ चुका है। उस प्रोग्राम का नाम है ओरियो बीटा प्रोग्राम, और वो ओरियो बीटा प्रोग्राम अब स्टार्ट होने वाला है 31 अक्टूबर को। तो पूरी न्यूज़ जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। दोस्तों ये है एंड्रॉयड ओरियो सैमसंग के रिलेटेड न्यूज़। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स और सैमसंग के न्यूज़ के लिए। तो मेरा नाम है रितिक, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब एंड्रॉयड ओरियो बीटा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और कुछ लीक्स और रूमर्स निकल के आए हैं। लीक्स तो नहीं, सैमसंग ने खुद कंफर्म किया है। सैम मोबाइल में ये न्यूज़ आई है कि एंड्रॉयड ओरियो जो बीटा प्रोग्राम वो 31 अक्टूबर को आने वाला है, वो स्टार्ट होने वाला है, पर US में स्टार्ट होने वाला है। अब US में स्टार्ट होने वाला है तो एसेट प्लस और नोट 8 एलिजिबल है इस ओरियो बीटा प्रोग्राम के लिए। ओरियो बीटा प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो सैमसंग मेंबर्स या सैमसंग प्लस ऐप्स को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे आप ओरियो बीटा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इधर ये भी आया है कि 7500 डिवाइसेज ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब एसेट के 500 वर्जन, नोट 8 के 7500, तो कुछ ही डिवाइसेज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिसने जितना जल्दी किया वो बहुत अच्छी बात है, और एंड्रॉयड ओरियो बीटा प्रोग्राम का वो मजा उठा सकता है। अब एंड्रॉयड ओरियो बीटा प्रोग्राम 31 अक्टूबर US में तो होने ही वाला है, तो अब आपको ओरियो में चेंजेस क्या मिलेंगे। अब ओरियो की अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड ओरियो में आपको नोटिफिकेशन डॉट्स मिलेंगे, आपको उसमें पिक्चर मोड मिलेगा, एडेप्टिव आइकॉन्स, एनहांसमेंट, इंप्रूवमेंट्स, ये सब कुछ मिलेंगे। और दूसरी न्यूज़ ये आ रही है कि सैमसंग का जो ये एंड्रॉयड ओरियो का UI होने वाला है शायद चेंज होने वाला है, क्योंकि अभी ड्रीम UX हम लोगों ने एसेट में देखा, अब शायद चेंज होने वाला है ओरियो में। तो वो फिलहाल पक्का तो नहीं है, पर अगर UI UX चेंज होता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ओरियो से रिलेटेड दूसरे न्यूज़ के बारे में बात करें तो सैमसंग पे को ओरियो का सपोर्ट मिल चुका है, मतलब सैमसंग पे एंड्रॉयड ओरियो पे अभी रन कर सकती है। वो इंडिया में हाल ही में आज ही या तो कल अपडेट आया है एंड्रॉयड ओरियो के सपोर्ट का, तो एंड्रॉयड ओरियो बहुत ही सामने है। तो अब ओरियो बीटा प्रोग्राम इंडिया में आने के चांसेस मुझे कुछ कम लग रहे हैं, क्योंकि जो नोगट बीटा प्रोग्राम था वो इंडिया में नहीं आया था, वो सिर्फ आया था US जैसी कंट्रीज में। नोगट बीटा प्रोग्राम सिर्फ आया था यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और साउथ कोरिया में, और कुछ फिलिपाइंस जैसे कंट्रीज में आया था, पर इंडिया में मेरे न्यूज़ के हिसाब से नहीं आया था नोगट का, तो शायद ओरियो का नहीं आ पाए। पर इधर र्यूमर्स और सैमसंग पे का जो एंड्रॉयड 8.0 वो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, उससे पूरा लगता है कि एंड्रॉयड 8.0 ओरियो का बीटा प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च होगा, और इंडिया में कुछ नवंबर में बीटा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल न्यूज़ सैमसंग से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।